27 अगस्त को साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित साइंस गणित अंग्रेजी सामान्य ज्ञान एवं कंप्यूटर विषयों पर राष्ट्रीय स्तर की ओलंपियाड परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बालाजी नगर खुर्सीपार के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन कर मेडल हासिल किया। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल के बच्चे भी किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कम नहीं हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में मिलने वाली शिक्षा आज निजी स्कूलों को टक्कर देने लगी है और सरकारी स्कूल के बच्चे सेजस में मिलने वाली शिक्षा के दम पर अपने स्कूल क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन करते भी देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में 27 अगस्त को साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा आयोजित साइंस गणित अंग्रेजी सामान्य ज्ञान एवं कंप्यूटर विषयों पर राष्ट्रीय स्तर की ओलंपियाड परीक्षाएं आयोजित की गई। इसमें स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बालाजी नगर खुर्सीपार के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन कर मेडल भी प्राप्त किया। इन मेडल प्राप्त बच्चों से मुलाकात करने जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल पहुंचे और उन्होंने अपने हाथों से विजेता बच्चों को मेडल पहनाया और स्कूल द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बच्चों ने इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी मंच के माध्यम से दी, साथ ही इस मौके पर शामिल हुए अतिथियों का स्वागत सम्मान पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल ने शाला के प्राचार्य की सराहना करते हुए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए आभार जताया, साथ ही सभी विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। शाला के प्राचार्य ने इस ओलंपियाड परीक्षा में प्रतिभागी बने बच्चों को बधाइयां दी और आगे शिक्षा के माध्यम से सदैव बेहतर मार्गदर्शन देने की बातें भी कही। मैं सबसे पहले तो मीडिया साथियों को बधाई और धन्यवाद कि जितना हम लोग कवरेज देते हैं बालाजी नगर को, उससे भी मोटिवेट होते हैं हमारे पेरेंट्स और बच्चे, और इस तरह के आयोजन के लिए स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों का बहुत योगदान है। हमारे पूरे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने यहाँ पर प्रयास किया, पूरे ज़िले में किया, और इसमें जो बालाजी नगर खुर्सीपार है जिसमें प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी कॉम्पीट करते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे बच्चों ने भी उनसे बेहतर प्रदर्शन किया है। तो लगातार इस तरह की प्रतियोगिताएँ हर साल होती हैं, तो आपको दिखेगा कि अगले साल और अच्छा प्रदर्शन होगा। देखिए, डिसमेंटल का एक प्रोसेस होता है और चूंकि अभी नया भवन बन रहा है तो नए भवन की जो सामग्रियां होंगी वो इस भवन में रखी गई हैं, तो बहुत जल्दी जब कार्य पूरा हो जाएगा तो डिसमेंटल का कार्य। ये बहुत ही गर्व की बात है कि खुर्सीपार जैसे क्षेत्र के बच्चे जो है 29 स्टूडेंट जो है ऐसा एग्ज़ाम में गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, और ये केवल एक सरकारी स्कूल का कंपटीशन नहीं होता बल्कि ये ओपन कंपटीशन होता है जिसमें कि भिलाई के बहुत बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें ये 29 स्टूडेंट जो हैं ये जोन स्तर पे भी अपना पोजीशन बनाए हैं, जिसके कारण उन्हें आज गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। और तैयारी जो है हम रेगुलर जो है एक क्लास लगाते हैं, जितने भी कॉम्पिटिशन हो गए या दूसरी एक्टिविटीज होती है पढ़ाई के अलावा उस पर हम तैयारी कराते रहते हैं, उसी का परिणाम है कि हमें अच्छा क्लासेस के बच्चों में पास हैं। ये तीन लेवल पे होता है, एक प्राइमरी लेवल होता है, दूसरा मिडिल लेवल होता है और तीसरा हाई स्कूल लेवल होता है। प्राइमरी लेवल में क्लास 1-5 के बच्चे रहते हैं और मिडिल पे जो है 6-8 रहता है। हाई स्कूल में क्योंकि हमारा 10th ही था तो 9-10th है, हालांकि होता 12th तक है, और दूसरा क्लास 1-12 बच्चे इसमें अपीयर होते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि एक तो उनकी उपस्थिति से हमें बहुत मोटिवेशन मिला, बच्चों को मोटिवेशन मिला, दूसरा उन्होंने एश्योर किया कि जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और स्टाफ को लेके कमियाँ हैं उसको जल्दी दूर कर दें, जिससे कि हम और बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बालाजी खुर्सीपार जिले में अपना सर्वोच्च स्थान बनाया हुआ है, क्योंकि इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उचित वातावरण बनाने में शाला परिवार सफल रहा है और विद्यार्थी भी जिज्ञासापूर्ण अपने शिक्षकों की बातों पर पूर्ण ध्यान देते हुए शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही ऐसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए